नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 23 मार्च को यानी जो पोषण पखवाड़ा का लास्ट डे है, जो 2024 में जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, इसका जो लास्ट दिन है वो 23 मार्च को है। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स से और जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, जितने भी ICDS के फील्ड फंक्शनरीज हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। तो इसमें कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपकी, अगर जो भी पेंडिंग रहती है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं और वो जो एक्टिविटी है वो डैशबोर्ड पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें जैसे इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ है, इसमें वाटर सेव्ड है, पानी को कैसे बचाना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिड्यूस्ड है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम है, हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड थ्रू एक्टिविटीज़। तो हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं आप, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बता सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, जो बारिश का पानी है वो कैसे बचाना है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम बाई प्रमोटिंग मिलेट्स एंड पोषण वाटिकास, मीन जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम है इसको अडॉप्ट करना है और जो मिलेट्स हैं इनको प्रमोट करना है और जो पोषण वाटिकास हैं, ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में आपकी पोषण वाटिका जो है वो आप ज़रूर लगाएं, और लगाई भी हुई है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, और उसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको ज़रूर प्रमोट करें। तो उसके बाद है कि अडॉप्टिंग हेल्थ लाइफस्टाइल थ्रू आयुष प्रैक्टिसेस जो हैं, तो उसके बाद जो फोकस्ड एक्टिविटीज़ अराउंड वाटर सैनिटेशन हाइजीन एंड डायरिया मैनेजमेंट है। आपको पता है कि जो बच्चों में जो बीमारियां हैं, जो मॉर्बिडिटी है, जो डिजीज़ हैं, वो जो माल न्यूट्रिशन है उसका एक काज डायरिया भी है। डायरिया जो है जी गंदे पानी से होता है, तो आपने जी इस बात के लिए लोगों को सेंसिटाइज करना है कि जो आपने पानी पीना है साफ पानी पीना है, स्वच्छ पानी पीना है। उसके बाद टेस्ट ट्रीट एंड टॉक एनीमिया के बारे में बताना है कि जो एनीमिया की कमी, जो खून की कमी हो जाती है, तो खून की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जो अगर किसी को खून की कमी है तो वो जो आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए, और जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो ऐसे जो फूड आइटम्स हैं जिससे कि जो जो हीमोग्लोबिन की कमी ना रहे वो इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे जो सब्जियां वगैरह हैं उनको इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उसके बाद है रेगुलर सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज़ अराउंड थ्रू, जैसे कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे है, स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा है, कम्युनिटी जो है रेडियो एक्टिविटी, साइकिल रैली कर सकते हैं, जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हर बाज़ार, उसके बाद हाट बाज़ार एक्टिविटीज़ हैं, होम विज़िट हैं, जो फोक शोज वगैरह हैं, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंपेन है जो कम्प्लीमेंट्री फूड है। तो पोषण के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, जहाँ फर्स्ट 1000 जो गोल्डन डेज हैं उनके बारे में बता सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, एडोलेसेंट एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, अदर एक्टिविटीज़ जो आपको लगे कि जो ठीक हैं, जो कि सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, जो पोषण भी पढ़ाई भी के लिए ज़रूरी है, वो आप सभी जो एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर में करवा सकते हैं और लोगों को, इसकी जो कम्युनिटी मेम्बर्स हैं उनको इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा लें। उसके साथ कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पूछ रही हैं कि वहाँ पे मुझे लगता है कि जो आप फैमिली जो डिटेल भर रहे हैं इसमें आपने क्या करना है कि जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी सेंटर में या बेनिफिशरीज हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उनका फैमिली ट्री इस्टेब्लिश करना है, और फैमिली ट्री जो है जी मदर फादर और सिबलिंग्स जो हैं, जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उन तक रखना है। तो हेड ऑफ़ द फैमिली कौन होगा, ये क्वेश्चन आज मुझे बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो मैसेज में पूछ रही हैं। तो हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो आप फादर को हेड ऑफ़ द फैमिली रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।